आज हमारी इंग्लिश प्रेसी की पहली क्लास है, जो स्टूडेंट्स 2024 में मेंटरशिप के बैच में ऐड हैं उनके लिए क्लास जो है वो रिकॉर्ड भी की जा रही है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसी के पेपर में प्रेसी सिर्फ 20 नंबर की आती है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का एक जहन ये बना है कि अगर हमने प्रेसी नहीं की या प्रेसी गलत कर दी तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए प्रेसी जो होती है इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो के बहुत बड़ी है, लेंथी है, उसको आपने कंसाइज प्रिसाइज करके उसको लिखना है, उसका नाम आपका प्रेसी होता है। अब इसके डूज एंड डोंट्स आते हैं। सबसे पहली चीज नोट करने वाली ये है कि क्या एग्जामिनर हमारे वर्ड काउंट करता है, कि लेट सपोज अगर कोई चीज हमारे पास 150 वर्ड की है, ठीक है, 150 वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर 150 वर्ड्स की प्रेसी है तो क्या हमें जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या 50 वर्ड्स ही लिखने हैं? सर अगर हम 40 लिख दें या 70 लिख दें तो क्या एग्जामिनर हमें फेल करेगा, पिनलाइज करेगा इसके ऊपर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर आपका वर्ड काउंट नहीं करता, प्लस माइनस 10 आप कर सकते हो उसके अंदर, यानी 30-35 की भी लिख सकते हो और 60-70 की भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आपके जहन में आ जानी चाहिए। नंबर 2, प्रेसी करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आप पैसेज को फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक पढ़िए और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर करके लिखते रहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 8 फुल स्टॉप है तो पहले फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक हमने पढ़ा, कुछ समझ में आया हमने लिख दिया, फिर दूसरे तीसरे इस तरीके से 8 पॉइंट जमा हो गए, 8 पॉइंट को वापस क्लब किया तो वो एक पैराग्राफ बन जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि रीड एंटायर पैसेज वंस। सबसे पहले आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो अब आप उसको स्कैन करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट मालूमात इसमें लिखी हुई है। ठीक है, क्या इसमें पढ़ने का है, क्या इसमें नहीं पढ़ने का है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद एक पेंसिल एंड जॉट डाउन पॉइंट। जो आपने पैसेज को 2 दफा पढ़ा उसके बाद आपको कुछ ना कुछ समझ तो आया होगा, तो अब आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को लिखना है अपनी कॉपी में। यानी जॉट डाउन पॉइंट्स का क्या मतलब है कि आपने सिर्फ की पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब आपने लेट सपोज 8 पॉइंट जमा किए हैं या 10 पॉइंट जमा किए, अब आप क्या करो उन पॉइंट से एक पैसेज बना लो। ठीक है, एंड में वर्ड काउंट करो, वोकैबुलरी को रिप्लेस करो और फाइनल ड्राफ्ट बना लो। इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें आधा घंटा लग जाएगा, आराम से आधा घंटा लग दो। ठीक है, इसीलिए जब प्रेसी का पेपर अटेम्प्ट करने की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि प्रेसी को आखिरी में करना चाहिए। आप अपने पेपर का लेआउट ऐसा रखो, पहले सेंटेंस करेक्शन, फिर इडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स, फिर प्रेपोजिशन, फिर पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंशन और आखिरी में प्रेसी। क्योंकि अब बच्चा क्या करता है कि अगर आप शुरू में 1 घंटा प्रेसी में लगा देते हो, जो कि अक्सर लग जाता है, लेट सपोज आपने पेपर स्टार्ट किया, ठीक है बेटा, और आपने 1 घंटा प्रेसी को दे दिया, एंड विद दिस फिनोमिना हमें पता है कि प्रेसी को आप 100% सही नहीं कर सकते। आपने 1 घंटा भी लगाया, आपसे हुआ भी नहीं और एग्जामिनर आपको 7 नंबर देगा इसमें, 7 से 9 नंबर। अब आप पैनिक कर जाओगे कि यार अब सिर्फ 2 घंटे बचे और मुझे पूरा 80 मार्क्स का पेपर करना। तो फॉर दैट रीजन हम ये कहते हैं कि पहले 80 नंबर का पेपर आप पहले कर लो और आखिरी जो 20 है ना इसको आप आखिरी के आधे घंटे में कर लो। ठीक है, पॉइंट समझ में आते हैं। क्वेश्चन में नहीं, थीसिस में मैटर नहीं करता। जैसे आपने नॉर्मल पेपर अटेम्प्ट किए होंगे अपने एफएससी से लेके ग्रेजुएशन तक, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। जैसे थीसिस के अंदर 7 सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 सवाल आते हैं, 4 करने होते हैं।
तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पहले कर दूं, 5 बाद में कर दूं, बस नंबर डालना होता है। ठीक है, अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हो। ये बातें क्लियर हो गई? अब आपने देखना है कि हमने प्रेसी में क्या नहीं करना है। यहां देखते हैं, सबसे पहले ये एक ओरिजिनल लाइन लिखी हुई है, सम पीपल आर हाईली इगोइस्ट। ठीक है, अब ये आपके पास ओरिजिनल लाइन लिखी हुई है यहां पे, बट अदर्स आर नंब एंड मैनी इंडिविजुअल ऑफ द पीपल। ठीक ओके, द पीपल अराउंड नेवर द लेस देर आर ऑल्सो मैनी पीपल इन सोसाइटी हु फील प्लेजर ऑब्जर्व द प्रोस्पैरिटी ऑफ देयर फ्रेंड एंड कलीग। अब ये बेटा क्या 4 लाइनें लिखी हुई है? अच्छा, अब इन 4 लाइनों की आप जो प्रेसी बना रहे हो, क्या बनाया? डाइवर्स शेड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या इस पूरे पैसेज में ह्यूमन बिहेवियर की ही बात हो रही थी? जी सर, हो रही थी। उसने पहले बताया ईगोस्टिक होता है ह्यूमन, ठीक है, फिर उसने कहा कुछ काइंड भी होते हैं, हम्बल और काइंड, फिर उसने कहा कि जेलिस, ठीक है। तो इसने किस चीज की बात की? इसने ह्यूमन बिहेवियर की बात की, तो हमने इसका टॉपिक दे दिया, या हमने इस पूरी 4 लाइनों को कन्वर्ट कर दिया डाइवर्स स्टेट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बात समझ में आती है? सही। अच्छा जी, अब आपको समझ में आया कि कैसे करना। उसके बाद देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इसमें बैन है। एमन, आपको शिरिंग की तो करना है, आपको शिरिंग करना है। अभी समझ में आ जाएगा आपको। कंटेंट मिस नहीं होगा ना? आपने सारी उसमें से इंपॉर्टेंट बातें निकाल के लिखनी है। मैं आपकी प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा, ठीक है। आपने आई यू वी दे ही शी कुछ नहीं लिखना होता इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से कोई कोटेशन यूज हो तो वो नहीं लिखनी। ये सारे पॉइंट लिखे यहाँ पे, कोटेशन नहीं लिखनी। अगर एग्जाम्पल दी हुई हो तो एग्जाम्पल नहीं लिखते। कोई जार्गन, जार्गन कहते हैं किसी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वोकैब। जैसे आपने मेडिकल पढ़ा है, तो अगर मेडिकल का कोई एक टर्म बार बार इसमें आ रहा है, तो वो हम बार बार उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नो नीड टू रिप्लेस एवरी वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम सर हाईली का क्या लिखें, ईगो का क्या लिखें, हम कोलीग की क्या इंग्लिश बना सकते हैं, राइट। एक एक वर्ड को रिप्लेस नहीं करना। नो नीड टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा है प्रोस्पैरिटी। आपने कहा सर प्रोस्पैरिटी का मतलब ही समझ नहीं आ रहा, तो भाई नहीं समझ में आ रहा तो इसको स्किप कर दो। एक वर्ड तुम्हारे पैसेज के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह से ये मैंने आप लोगों को भेजा हुआ, तो इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं कि क्या क्या नहीं करना है। मुझे बताओ, अभी कोई सवाल है यहाँ तक, या फिर हम प्रैक्टिस पे चले डायरेक्ट? क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अब प्रेसी के अंदर एक बात याद रखना कि जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका यही है कि प्रेसी के अंदर एग्जामिनर आपको 7-8 नंबर ही देगा। लाइक तुम जितना अच्छा करके आ जाओ, क्यों? 5 नंबर की तुम्हारी हेडिंग होती है और 15 नंबर की प्रेसी होती है, तो 20 नंबर का आता है टोटल। 20 में से एग्जामिनर आपको 6, 7 या 8 नंबर देता है, बिकॉज आप उस लेवल की प्रेसी कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटन रसल का कोई फिलोसफी का ऐसे आ जाएगा। आपने कोई एक आधा की पॉइंट मिस कर दिया होगा, एक दो ग्रामर मिस्टेक कर दी, हेडिंग आपसे डली नहीं कि यार इसका हेडर होना क्या चाहिए,
और एंड में आपने फंड मार के प्रेसी में 6 से 7 नंबर लिए। बात समझ में आ रही है? काफी सारे टीचर ऐसे फेमस जिनसे मैंने पढ़ा हुआ भी, वो भी यही कहते हैं कि प्रेसी आपको बहुत अच्छी लिख दी तो 10 नंबर देगी, एवरेज लिखी तो 7-8 तो मिल ही जाएंगे। तो ये चीज आपके पहले माइंड में होनी चाहिए कि सर इतने ही नंबर हमें मिलते हैं, ज्यादा मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, आपको नजर आ रहा होगा ये। एमन इसको पढ़ो जरा एक बार, पढ़ के मुझे बताओ कि क्या समझ में आ रहा है। जी अमन, अच्छा आपको ये चीज समझ में आ गई है राइट? पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। चलें देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ प्रेसिंग इशू ग्लोबली। इधर इसने एक मेन बात बोली कि रिसेंट ईयर में ये बन चुका है। द अर्थ टेम्परेचर आर राइजिंग लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सेवरल नेचुरल डिजास्टर्स लाइक हरिकेन। अच्छा अब ये वाली जो बात है, ये 3 लाइनों में मैं इसको एक लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। साइंटिस्ट एग्री दैट ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल डिफॉरेस्टेशन आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस प्रॉब्लम। अच्छा ये भी 3 लाइनें मिल गई। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड आर नाउ वर्किंग टुगेदर टू रिड्यूस कार्बन एंड प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इट इज क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हर पार्ट को तोड़ना है। अब आए जरा देखते हैं, ये मैंने इसकी फर्स्ट प्रेस ही बनाई है। ठीक है, फर्स्ट मतलब ये पहली बार जो मुझे समझ में आया, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इशू एग्जर्बेटेड बाय राइजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे काम करते हैं। ये मैंने पहला पॉइंट किया और नेचुरल डिजास्टर वाले को फिट कर दिया। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, उसी को रिपीट कर दिया। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टू रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी। 4 पॉइंट। ठीक है, इंडिविजुअल एक्शन सच एज कंजर्विंग एनर्जी एंड सपोर्टिंग एनवायरमेंटल पॉलिसी आर क्रूशियल टू मिटिगेट चेंज द इम्पैक्ट। दिस इज माई फर्स्ट प्रेसिंग जिसमें थोड़े बहुत वर्ड इसके हैं और थोड़ा बहुत मैंने इसके अंदर एडिशन मार दिया। अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट लाइन इज गुड, ठीक है, इसके अंदर हमें कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि इसमें हमने दो बातों को क्लब कर दिया। सेकंड में क्या लिखा है, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं। एमन इसके अंदर ना आप 2 से 3 ड्राफ्ट्स बनाते हो। ठीक है, तो अभी जो मैंने ये किया ना, ये मैंने फर्स्ट जो मुझे समझ में आया मैंने वो किया। फिर सेकंड में हमने क्या करना है, इसको श्रिंक करना है। जैसे यहाँ पे इसने लिखा ना ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। ठीक है, आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर या
ये देखें, समझ में आई बात? इस पूरी लाइन को भी मैंने क्या किया, कट कर दिया यहाँ पे। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है बेटा, मैंने इसको कुछ वर्ड्स को आगे पीछे करके इसको बना दिया। ये देखें एमन, ये कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैं भी अभी मैंने पैसेज यहाँ से कॉपी किया, अब मैं भी सोच सोच के इसके अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये मेरा सेकंड टाइम मैंने लिखा है, तो ये आपको थोड़ा सा बेहतर लग रहा होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं, अब आवाज आ रही है आपको? मैंने कहा कि मैंने इसको चेंज किया है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था ना ये वाला, ये मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट था, ठीक है, ये वाला, ये फर्स्ट ड्राफ्ट था। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से वर्ड्स वगैरह उड़ा के कुछ को क्लब करके ये मैंने अपना सेकंड बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर आपको अभी भी लगता है कि सर इसमें गुंजाइश है, तो आप थर्ड बना दो। अब आप क्या करो, मजीद अच्छे वर्ड लेकर आओ और इन चार पांच लाइनों को मजीद रिड्यूस कर सकते हो आप, लेकिन शर्त यह है कि इसका जो कोर है वो खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया कि सर हमने दो पैसेज बनाए, तीसरे को हमने फाइनलाइज कर लिया। कुछ लोग ये करते हैं कि दूसरे को ही फाइनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी बेटा, जैसे आपको अच्छा लगे, मैं ये वाला पॉइंट फॉलो करता हूं। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट पास पेपर की प्रेसी पे नहीं जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को छोटे छोटे पैसेजेस दूंगा, आपने छोटे पैसेज को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इस चीज पे महारत हासिल कर ली, फिर हम सीएसएस वाले पे जाएंगे। ठीक है, इसकी एक क्लास और होगी प्रेसी की। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जैसे मैंने आपको ये करा है ना, ये वाला करवाया, अब आपने क्या करना है, इस वाले को एमन, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, बल्कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में डाल लूं।
ये मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया, ठीक है। आपने क्या करना है जी, इस पैसेज की प्रेसी करनी है और मुझे भेज दें प्रेसी करके। जब ये सही हो जाएगा ना, मैं आपको 4-5 ऐसे पैसेज भेजूंगा जिसपे सिर्फ प्रैक्टिस करके हाथ साफ करना है आपने। अभी पास पेपर को भूल जाइए, ये छोटा स्टेप है इसका, कि आपको 4-5 लाइनों की प्रेसी करनी आ गई तो आप 10-12 लाइनों की भी प्रेसी कर सकते हो। क्लियर है? ये फाइल जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको भी मैंने सेव कर लिया, अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो वो मुझसे मांग सकता है इसको। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, आप अभी ये होमवर्क कर लो। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।